हेलो सर, मेरा विजय। और दोस्तों, ये मेरे पास में लेनोवो का एकदम लेटेस्ट तड़कता भड़कता लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3 लैपटॉप विद द i5 13 जनरेशन प्रोसेसर। लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3 का 12 जनरेशन मैंने भाई रिव्यू ही नहीं किया था, 13 जनरेशन की इतनी डिमांड आ रही थी, लेकिन फाइनली अब जाकर मैं इसको रिव्यू कर पा रहा हूँ। ये वाला भाई 13 जनरेशन 13420H सीरीज प्रोसेसर के साथ में आता है। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि इस प्राइस सेगमेंट में ये लैपटॉप इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 58,000 रुपीस का अवेलेबल है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सवाल ये है कि भाई इतने सारे लैपटॉप्स अवेलेबल है यहाँ पे, HP लैपटॉप 15 हो गया, डेल का इंस्पिरॉन 3530 लैपटॉप हो गया, और भी बथेरे लैपटॉप्स हो गए, वहाँ पे ये वाला लैपटॉप कैसे स्टैंड आउट करता है, क्या क्या अपने साथ में फंक्शनैलिटीज लेके आता है, सारी ही चीजें आगे इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। जहाँ पे डिस्प्ले से लेके स्पीकर तक, परफॉर्मेंस से लेके कैमरा तक, सब चीजों का हम लोग डिटेल में टेस्ट करेंगे, जिसके लिए वीडियो में दोस्तों एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। अनबॉक्सिंग में दोस्तों ज्यादा टाइम जाया नहीं करेंगे, बस आपको बता देता हूँ कि बॉक्स के अंदर हमें सिर्फ अपना लैपटॉप मिलता है और इसका ये 65 वॉट वाला चार्जर मिल जाता है। अब ये 65 वॉट वाला जो चार्जर है वो एक राउंड पेन चार्जर है, तो अभी तक लेनोवो की आइडियापैड स्लिम सीरीज में हमें टाइप सी चार्जर बॉक्स के अंदर प्रोवाइड नहीं हो रहा है, फॉर व्हाटएवर रीजन। मैं तो यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा ब्रांड से कि भाई टाइप सी चार्जर प्रोवाइड कराने लग जाओ, क्या जाता है आपका। बाकी के ब्रांड्स जो है, अपने न्यू कमर्स जो है, वो टाइप सी चार्जर लेके आ रहे हैं अपने लैपटॉप्स के अंदर। डिजाइन के बारे में दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, जहाँ पे आइडियापैड स्लिम 3 अपनी आइकॉनिक डिजाइन जो कि बहुत सालों से कैरी करता हुआ आ रहा है वही डिजाइन लेके आता है, जहाँ पे हमें बहुत ही एक पॉलिश सा बैक पैनल देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप इसको कुछ इस तरह से ऑफिस में रखोगे तो बहुत ही प्रोफेशनल लगती है ये वाली डिजाइन। 15.6 इंच का लैपटॉप है, तो यहाँ पर हमें एक नमपैड भी मिल जाता है, जिससे कि डेटा एंट्री वगैरह, अकाउंट्स के काम के लिए ऑफिस वगैरह में काफी ज्यादा इजी हो जाता है। एट द सेम टाइम हमें एक बड़ी डिस्प्ले भी मिल जाती है। ये लैपटॉप दोस्तों सिर्फ 17.9 मिलीमीटर स्लिम है, और इसकी अगर वेट की बात करूं तो 1.62 केजी का इसका वेट है। वन ऑफ द लाइटेस्ट 15.6 इंच लैपटॉप है ये वाला, तो काफी अच्छा इन हैंड फील भी है इस वाले लैपटॉप का। और अगर पोर्ट्स की बात करूं तो भाई राइट साइड में हमारे पास में USB टाइप ए पोर्ट है, उसके पास में बड़ा वाला SD कार्ड स्लॉट है, अगर आप कंटेंट वगैरह क्रिएट करते हो DSLR वगैरह से तो यहाँ पे डायरेक्टली आप इंपोर्ट कर सकते हो। लेफ्ट साइड में दोस्तों यहाँ पर हमें एक राउंड चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, एज आई ऑलरेडी सेड। उसके पास में एक LED इंडिकेटर भी है, जिससे कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई लैपटॉप चार्ज हो रहा है या फिर फुल चार्ज हो चुका है, ये सारी चीजें आपको इंडिकेट कर देगा ये। उसके पास में अगेन एक और USB टाइप ए पोर्ट है, और ये दोनों ही पोर्ट जो है ना USB 3.2 को सपोर्ट करते हैं। जो टाइप सी पोर्ट भी है इवन वो भी USB 3.2 को सपोर्ट करता है, और ये वाला दोस्तों पावर आउट, डिस्प्ले पोर्ट वगैरह सारा को सपोर्ट करता है। HDMI पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है, और 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक गाने वाने सुनने के लिए, ईयरफोन लगाने के लिए, वो भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। जो हीट मैनेजमेंट है ना पीछे की तरफ, यहाँ पर हमें अच्छा सा देके रखा हुआ है इस लैपटॉप के साथ में, तो ओवरऑल जो डिजाइन है वो अच्छी देके रखी हुई है। और भाई जो मेरे पास में इस लैपटॉप का वर्जन है ना, वो बैकलिट कीबोर्ड के साथ में नहीं आता है, लेकिन इंडिया में जो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया है वहां पर आपको इस लैपटॉप का बैकलिट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला वर्जन देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने इस लैपटॉप को दुबई में काफी अच्छे प्राइस में परचेस करा है, अप्रॉक्सीमेटली 45,000 इंडियन रुपीज का, इंडिया में ये 58,000 का है। लेकिन इंडिया वाले में एडवांटेज आपको ये मिल जाएगा कि भाई मेरे वाले वर्जन में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, बैकलिट कीबोर्ड नहीं है, और MS Office होम एंड स्टूडेंट भी बिल्ट इन नहीं है। इंडिया में वो सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, तो मुझे लगता है कि टोटली वर्थ है। तो सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में बात कर देते हैं, तो इट्स अपडेटेड डिस्प्ले, 15.6 इंच का पैनल है। पहले 250 निट्स की ब्राइटनेस आया करती थी, इस बार 300 निट्स की ब्राइटनेस कर दी गई है, जो कि कंपटीशन को बीट कर रही है। बेसिकली HP लैपटॉप 15 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ में आता है, MSI मॉडर्न 15 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ में आता है, ये वाला 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ में आता है। NTSC वगैरह वही हमें सेम देखने के लिए मिल जाता है, 45% का NTSC, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, तो मतलब रिफ्लेक्शन वगैरह जो आपका ऊपर से आता है ऑफिस वगैरह में आप काम करते हो वो भी आपको इस डिस्प्ले के साथ में नहीं नजर आएगा। तो डिस्प्ले आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, किसी भी एंगल से अगर आप देखते हो ना तो मतलब स्क्रीन वॉश आउट नहीं होती है, काफी अच्छे कलर्स वगैरह आपको स्टिल नजर आते हैं। बात करते हैं कैमरा की, तो इट्स अ फुल HD कैमरा दिस टाइम, जो कि लेनोवो ने अपडेट कर दिया है। इट्स अ वेलकमिंग मूव बाय लेनोवो, बिकॉज आजकल हम बहुत ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, भले ही वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हो, भले ही हम स्टूडेंट्स हो, तो भी जूम मीटिंग वगैरह बहुत ज्यादा चलती है। अब दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, जो कि इसका हाईलाइटिंग पार्ट है। और ये वाला लैपटॉप आता है भाई इंटेल के कोर i5 13 जनरेशन HC CPU के पास में, जहाँ पे हमारे पास में इसका i5 13420H वाला वर्जन है, जो कि कहा जाता है कि यू सीरीज से ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन क्या सच में ऐसा निकल के आ रहा है, उसको टेस्ट करने के लिए दोस्तों हमने इसमें Geekbench के स्कोर्स रन करे हैं, जहां पर सिंगल कोर एंड मल्टी कोर दोनों ही के स्कोर्स आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। 2345 ऑन सिंगल कोर नॉर्मली 13 जनरेशन 2200 2250 के स्कोर्स देता है, तो बहुत ही डिसेंट निकल के आ रहा है। मल्टी कोर में
7833 के स्कोर्स निकल के आ रहे हैं, जो कि मेरी टेस्टिंग में तो भाई यू सीरीज के कंपैरिजन में सेम टू सेम निकल के आ रहा है, क्योंकि मैंने इससे पहले i5 30 जैसे के साथ में बहुत सारे यू सीरीज वाले लैपटॉप्स रिव्यू कर रखे हैं, तो उसके भी स्कोर सेम निकल के आते हैं, लेकिन इंटेल यहाँ पे बोलता है कि उसके कंपैरिजन में ये 10% ज्यादा फास्टर है। तो आप मान सकते हो कि अलग अलग यूज के सिनेरियो में थोड़ा सा बेटर मल्टीकोर परफॉर्मेंस आपको इस वाले लैपटॉप के साथ में देखने के लिए मिल जाएगी कंपेयर टू अदर इंटेल 13th generation 1335U वाले प्रोसेसर जो आते हैं मार्केट में। लेकिन जो डाउन साइड है ना इस प्रोसेसर का, वो है दोस्तों इसकी ग्राफिक परफॉर्मेंस, बिकॉज ये वाला प्रोसेसर अपने साथ में लेके आता है इंटेल का UHD ग्राफिक इंस्टीड ऑफ इंटेल आयरिस एक्सी ग्राफिक। UHD ग्राफिक दोस्तों स्कोर कर देता है 9444 इस वाले लैपटॉप के साथ में, आयरिस एक्सी ऑन द अदर हैंड 13,000 से लेके 15,000 के बीच के स्कोर आपको निकाल के दे देता है किसी भी लैपटॉप में। तो ग्राफिक परफॉर्मेंस डेफिनेटली आयरिस एक्सी के साथ में आपको बेटर मिलने वाली है, जो कि 1335U वाले वर्जन के साथ में आपको मिल जाएगी। मल्टीकोर परफॉर्मेंस लैपटॉप की बेटर देके रखी हुई है। वहीं अगर डिस्क की टेस्ट करें तो यहाँ पे इस लैपटॉप में एक जैन 4 SSD देके रखी हुई है, जो कि फास्टर SSD कही जाती है, जो कि काफी अच्छे स्कोर्स इस वाले लैपटॉप के साथ में भी प्रोवाइड करा रही है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो रीड स्पीड जो है वो 3000 क्रॉस कर रही है इस लैपटॉप के साथ में, रीड एंड राइट स्पीड दोनों ही काफी ज्यादा अच्छी देके रखी हुई है। मैं इस लैपटॉप को मतलब हैवीली यूज कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियो एडिटिंग भी करी इस लैपटॉप के साथ में, तो 1080p 60fps में मेरे को कोई भी ऐसा फ्रेम ड्रॉप वगैरह नहीं नजर आया वीडियो एडिटिंग के साथ में। मल्टीपल लेयर्स लगा के भी वीडियो एडिटिंग करी, एंड द बेस्ट पार्ट इज की जो एक्सपोर्ट टाइम है वो काफी ज्यादा कम हो गया। मैं चार्जिंग पे लगा के लैपटॉप को तब यूज कर रहा था, तो मतलब एक्सपोर्ट टाइम विद इन 1 मिनट इसने 10 मिनट के आसपास की वीडियो रेंडर कर दी 1080p रिजोल्यूशन में। और जो डे टू डे टास्क वगैरह आप करते हो, मतलब ऑफिस में अगर आप 10 टैब खोलते हो या फिर आप स्टूडेंट हो 10 टैब 20 टैब एक साथ खोल के काम करते हो, तो वो बहुत ही इजीली कर सकते हो, बिकॉज लैपटॉप में हमें एक 16GB की रैम भी देके रखी हुई है, एंड इट्स अ DDR5 4800 MHz वाली रैम। अनफॉर्चुनेटली इसको हम अपग्रेड नहीं कर सकते, मतलब इसको आप 32GB करना चाहते हो फ्यूचर में तो वो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन 16GB DDR5 है, 4800 इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलेगी, आपको ऐसे फील नहीं होगा कि आपको 32GB रैम चाहिए इस लैपटॉप के साथ में। तो परफॉर्मेंस पार्ट से मैं इंप्रेस्ड हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें मिल रही है कंपेयर टू अदर लैपटॉप जो कि 1335U के साथ में आते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि आपको मल्टी कोर में, मतलब जब बहुत सारे गेम्स खेल रहे हो या फिर आप बहुत सारी वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, थोड़ी सी ग्रोथ तो इस लैपटॉप के साथ में देखने के लिए मिल जाएगी बिकॉज ऑफ द H सीरीज CPU जो कि 4 पावर कोर के साथ में आता है इंस्टीड ऑफ 2 पावर कोर ऑन द U सीरीज CPU। बात करते हैं दोस्तों फिर इस लैपटॉप के कीबोर्ड एंड टाइपिंग एक्सपीरियंस के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास में इसका नॉन बैकलिट वाला वर्जन है, एज आई ऑलरेडी सेड मैंने दुबई में इसको सस्ते में परचेस करा है, तो यहाँ पे सस्ते में भैया बैकलिट कीबोर्ड नहीं दिया इन लोगों ने, इंडिया में आपको बैकलिट कीबोर्ड मिल जाएगा, एज आई सेड लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के प्रोवाइड आपको करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। टाइपिंग एक्सपीरियंस दोस्तों मेरा काफी अच्छा रहा इस लैपटॉप के साथ में, मैंने मंकी टाइप जो की एक एप्लीकेशन है उसमें सारी लैपटॉप्स के साथ में टेस्ट करता हूँ कि मतलब कितना तेज मैं इस कीबोर्ड के साथ में टाइप कर पा रहा हूँ, तो इस कीबोर्ड के साथ में मैं वन ऑफ द फास्टेस्ट टाइप कर पाया, और जो मिस्टेक्स हुई वो भी काफी ज्यादा कम हुई इस कीबोर्ड के साथ में, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। इसका ट्रैक पैड भी जो है वो बहुत ही डिसेंट साइज का है और काफी स्मूथ सी ग्लाइडिंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कराता है, भले आप 3 फिंगर ग्लाइडिंग करो भले ही आप 2 फिंगर टैप करो, मतलब ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स ये एक्यूरेटली आपकी गेस्टर्स वगैरह को पहचान लेता है। और इसके ऊपर जो आप देख सकते हो ना ये बड़ी सी ग्रिल, ये है इसके फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स जिसको लेनोवो बोलता है यूजर फायरिंग स्पीकर्स, ये यहाँ पे बेसिकली 2 स्पीकर्स देके रखे हुए हैं 1.5 वाट के इंस्टेड ऑफ 2 वाट, कैसे साउंड कर रहे हैं आप आगे देख सकते हो। एक चीज दोस्तों, अगर आप इंडिया से लैपटॉप लेते हो ना तो उसके अंदर आपको एमएस ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 वाला वर्जन लाइफ टाइम प्री इंस्टॉल मिलता है लैपटॉप के साथ में, जो कि आप इजीली 1 वीक के अंदर अंदर एक्टिवेट कर सकते हो अपनी माइक्रोसॉफ्ट आईडी डाल के, वो चीज भी इस लैपटॉप के अंदर आपको इंडिया में मिल जाएगी। विंडोज 11 होम के साथ में तो ये लैपटॉप आता ही है इंडिया में। बात करते हैं बैटरी लाइफ की दोस्तों, तो 47 वाट आवर की बैटरी कर दी गई है इस बार लेनोवो के द्वारा, पहले हमें 45 वाट आवर की बैटरी मिलती थी, तो एच सीरीज है तो बड़ी बैटरी भी लेनोवो ने प्रोवाइड कराई हुई है, और वेट वगैरह इसका ज्यादा गेन नहीं हुआ इसके चलते, तो काफी अच्छा लगा मुझे बैटरी लाइफ इसका। 3 से 4 घंटे के आसपास आपको मिक्स यूजेज में बैटरी मिल जाती है, नॉर्मली थोड़ा सा कम यूजेज करोगे ब्राइटनेस वगैरह थोड़ी कम रखोगे तो 5 घंटे भी चल सकते हैं वह लैपटॉप, जो कि बहुत ज्यादा डिसेंट है इस फॉर्म फैक्टर के लैपटॉप के लिए। तो ये था दोस्तों लेनोवो का आइडियापैड स्लिम 3, वन ऑफ माई फेवरेट लैपटॉप। अगर आपको कोई भी
50-60 हज़ार के आसपास का लैपटॉप चाहिए विद द i5 प्रोसेसर। दिस इज अ वेरी इजी रिकमेंडेशन फॉर मी। काफी न्यू चीजें भी नैनो ने इस लैपटॉप के साथ में ट्राई करी है, जैसे कि बैकग्राउंड ब्लर वीडियो के अंदर, लेकिन वो चीज अभी इतने अच्छे से वर्क कर नहीं रही है इस लैपटॉप के साथ में। उसके साथ में हमें एक काफी अच्छा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन चाहिए, मे बी फ्यूचर में अपग्रेड हो जाए। वाईफाई 6 देके रखा हुआ है, ब्लूटूथ 5.2 देके रखा हुआ है, वो चीज भी एकदम तगड़े से वर्क कर रही है। ये लैपटॉप मिलिट्री ग्रेड 810 टेस्टेड है, मतलब अगर गिर विर जाता है तो हाई चांसेस है कि आपका लैपटॉप बच जाएगा कंपेयर टू अदर लैपटॉप। ये लैपटॉप PUV राइनलाइन सर्टिफिकेशन के साथ में भी आता है। ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो के एंड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो में मैं मतलब रियल लाइफ यूजेज वाला सिनेरियो लेके चल रहा था, ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए कि आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए या नहीं। मेरी तरफ से इस लैपटॉप को थम्स अप है, अच्छी रिकमेंडेशन है। और अगर आपको एज आई सेट परचेस करना है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। और भी लैपटॉप जो कि इंटेल के लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर्स के साथ में आते हैं, उसकी भी बड़ी सी लिस्ट मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराई हुई है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। आपको कोई भी लैपटॉप वहां से अच्छा लगता है आप ले सकते हो। आपको कुछ भी क्वेश्चन है मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके इस वीडियो में, मैं बिल्कुल उसको रिप्लाई कर दूंगा। आपको इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो कुछ भी आपको पूछना हो तो। वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में। मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।